अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? आज यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ, आज का ब्लॉग कर लेते हैं। इस गाड़ी पे जा रहे हैं, बड़ी क्लासिक किस्म की गाड़ी है, खैबर है। आपको मैं एक दफ़ा इसकी फ्रंट लुक भी दिखा देता हूँ। ये देखो, बड़ी कोई खड़पेंच किस्म की गाड़ी है। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है यार, चेक करो। अभी ज़रा बारिश हो रही है तो सर्विस वर्विस होने वाली है। गाड़ी बड़ी सुथरी है, अपने कलर में है सारी अभी तक। तो आज मैं यूनिवर्सिटी लेके जा रहा था इसको, तो मैंने कहा यार चलो, जाता तो मैं रोजाना ही हूँ लेकिन आप लोगों को भी साथ में जो है ना वो थोड़ी सी चेक करवा देता हूँ। गाड़ी का इंटीरियर और बॉडी वगैरह बहुत साफ है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने लंबा सफ़र करना है खैबर के ऊपर, पहले मैंने कभी नहीं इतनी लंबी चलाई। तो आज चलाऊँगा और आपको मैं साथ में दिखाऊँगा, इसका इंटीरियर वगैरह चेक करें तो आपको मज़ा आएगा। चलो जी, सबसे पहले इसको स्टार्ट करें, चाबी पहले चेक करें ज़रा। है जेन्युइन चाबी, अभी तक 93-94 मॉडल की गाड़ी है, चाबी अभी तक जेन्युइन है, क्या बात है जी। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ओह सॉरी, मैं गलत चाबी लगा रहा था। ये वाली चाबी इसको लग रही है, देखें क्या बात है जी। हाय हाय हाय, फुल ख़ानदानी इंटीरियर है, खड़पें स्टेयरिंग लगा हुआ है। चलो जी निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में कि ये इस तरह की जो है ना वो गाड़ी है। लो जी, सफ़र का जो है वो आगाज़ हो चुका हुआ है। और मुझे वैसे ना पर्सनली गाड़ी में बैठ के ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत ना किसी ऊंची ऊंची सीट पे बैठा हूँ, और मुझे जो विजन आ रहा है ना सामने से, यानी कि जो मुझे नज़र आ रहा है, वो मुझे ये चीज़ भी ऊपर ऊपर नज़र आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा ऐसे नीचे हो गए जो कुछ है वो गाड़ी चलानी पड़ रही है। इतनी कोई ज़्यादा हाइट नहीं है मेरी, 6 फुट ही है, तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा ऊंची है। क्योंकि जब मैं सुजुकी एफएक्स भी है ना एक मेरे पास, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि जो सुजुकी एफएक्स है मेरे पास, जब वो चलाता हूँ तो उसमें बड़ा ईजी सीन है, वो है भी बड़ी मतलब लो है अंदर से, सीटें उसकी नीचे नीचे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है उसका। तो इसमें जो है ना इसकी थोड़ी सी ना फील अलग है। ये गाड़ी जो है ना इसकी ड्राइव जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका भी मोटरवे पे डालते हैं, और पहले तो इसमें पेट्रोल वगैरह डलवाए ना, पेट्रोल पंप पे आ गए और फ्रेश 1200 रुपये का जो है ना वो पेट्रोल डलवाते हैं। और अभी ये देखा ना, पेट्रोल निश्चित है तो पेट्रोल इसमें डलेगा, फिर इसका जो है ना वो चला के देखते हैं इसका मोटरवे पे कि क्या कहती है गाड़ी। लो जी, मैं मोटरवे पे आ गया हूँ, और मोटरवे पे जो है ना गाड़ी का मैं भगा के चेक करने लगा हूँ, हैवी वैशी मांडा जो है ना वो गाड़ी का मारने लगा हूँ। तो 1000 cc खैबर है, देखना अब ये कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जेन्युइन 86,000 किलोमीटर चली हुई है, और इंजन इसका इस तरह जिस तरह ब्रांड न्यू गाड़ी का होता है। तो देखते हैं जी कैसी परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। चलो जी आ जाओ। चौथा गेयर है बॉस, बहुत थोड़ी खैर हो जाए, ये तो मीटर डाउन करेगी भाई आज। 5वां गेयर लगा हुआ है, हैवी सीन्स। यार 130-140 तक तो मैं इसको ले गया हूँ, लेकिन खतरे की घंटी बज रही थी, मेरा दिल का कुछ हो रहा था, मैंने कहा नहीं यार इसे ऊपर नहीं लेके जाना। डर गई। आगे गाड़ियाँ आ गई थी तो आपको पता है रश वगैरह होता है, इस तरह ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए, तो मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए किया। तो ये जाएगी अच्छी जो है ना, इसके अंदर पावर है इंजन के अंदर। अच्छा ये जो स्पीड हमने मारी है ना अभी 140 की, ये अभी गाड़ी की जो है ना वो बिल्कुल ट्यूनिंग वगैरह नहीं हुई। ये गाड़ी जो है ना अभी कह लो कि मैंने जस्ट परचेज़ की है, काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी इनकी गाड़ी, और सस्पेंशन का काम अभी कल परसों मैंने सस्पेंशन का काम करवाया है, और अभी ये ना बस इसी तरह मैंने निकाल दिया मोटरवे के ऊपर। 140 तक गई है गाड़ी, अभी ना थोड़ी बबलिंग कर रही थी,
तो इसका हो सकता है व्हील बैलेंस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें करवानी पड़े हमें, और इसके अलावा ना इसकी ट्यूनिंग होने वाली है। तो ये छोटे छोटे काम जब इसके हो जाएंगे ना तो मज़ीद इसकी ड्राइव जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अभी जो है वो 140 पे जा के ना वो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं यार गाड़ी के साथ जुल्म है अभी, तो इसको मज़ीद जो है ना वो नहीं रेस देनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने जो है ना इसको वो स्लो कर दिया था। वैसे ओवरऑल जो है ना वो चलने में बड़ी ज़बरदस्त है। चलो जी फाइनली यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं और पार्किंग भी मिल गई है, मिलती नहीं होती यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से जो है ना यहाँ पार्किंग मिलती है। तो चलते हैं अपना सामान वगैरह पकड़ लेते हैं, मोबाइल है, बैग है, ये पावर बैंक नहीं चाहिए मुझे, पावर बैंक को इधर ही डैशबोर्ड के अंदर रख देंगे ज़रा सेव करके ना। तो फंस गई वह चाबी फंस गई, लो जी क्लासेस तो हो गई ख़त्म और अब चलते हैं जी घर की तरफ। तो देखते हैं, हो सकता है शायद मैं वर्कशॉप चला जाऊँ, आपको दिखाऊँ वहाँ पे जाके कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं और क्या क्या काम जो है वो चल रहा है वहाँ पे। बस इसमें एक जो है ना वो छोटी सी कमी है, इसको ना मैंने पावर स्टीयरिंग लाजमी लगवाना है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग जो है ना वो आजकल के दौर की कह लें कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वैसे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल लगता है। चलो गाड़ी निकालते हैं, फिट करते हैं। दोस्तों आपको नज़र आ रही होगी ये विड्स आगे आगे जा रही है ये वाली, ठीक है। इस विड्स को देख के मुझे याद आया कि मेरे पास भी एक विड्स है फॉर सेल है, अगर आप में से कोई पता इंटरेस्टेड है तो रब्ता कर सकता है। 2013 मॉडल की है और 2016 का जो है उसका नंबर लगा हुआ है, लाहौर का नंबर है। गाड़ी सारी जनवन है, टोटल अपने कलर में है और सिर्फ एक भी स्टचिंग है उसका, एक दरवाज़ा पीछे वाला जाना वो भी जापान से इसी तरह ही आया हुआ है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट हर चीज़ ओरिजिनल है, मौजूद है, जिसने लेनी है वो गाड़ी तो बंदा ज़रूर रब्ता करे। फोटो जो है वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं ये वाली गाड़ी है और ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, फुल ऑप्शन। जिस बंदे को पसंद हो या कोई इंटरेस्टेड हो मुझे मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसकी प्राइस वगैरह के लिए और बाकी जो भी उसकी डिटेल है उसके लिए। इसका मैं इंशाल्लाह एक रिव्यू लेके आऊँगा आपके लिए जल्दी, और ताकि जिन लोगों को गाड़ी चाहिए वो लोग जो है ना वो रब्ता कर सके। बड़ी सुथरी गाड़ी है, बहुत साफ गाड़ी है, इस तरह की गाड़ियाँ मिलती नहीं है मार्केट में, इस तरह की गाड़ी है। लो जी दोस्तों जेल रोड पे आ गए हैं, वर्कशॉप पहुंच गए हैं। ये देखो ये जेल रोड है यार, बड़ा आसान सा रास्ता है हमारी वर्कशॉप का, ये सामने जो है ना आगे करतबा चौक आ जाएगा, ठीक है। जब आपने सर्विस लेन में हो जाना यहाँ पे आपने देखना है कि जी ये गोपी मोटर का शोरूम आ गया, ये गोपी मोटर वाला शोरूम है, ठीक है। इस गली में आपने आ जाना है और आखिरी वर्कशॉप है लेफ्ट साइड वाली, ये वर्कशॉप है हमारी, अशरफ ऑटो इंजीनियर के ऊपर लिखा हुआ है। अंदर चलते हैं और आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो इनका आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों वर्कशॉप में आ गया हूँ और अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। शोर थोड़ा ज़्यादा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। तो ये वाली खैबर है ये, जिससे मैं आज सारा दिन घूमता फिरता रहा हूँ, तो ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा, पहले आपको बाकी सारी गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। तो ये देख लें जी, ये सबसे पहले एक मेहरान है, ये तैयार हो रही है पूरी की पूरी, बाहर बाहर से सारी गाड़ी, अंदर से भी ये पेंट होगी, टोटल गाड़ी तैयार हो रही है। ये होंडा सिटी ये भी तैयार हो रही है सारी, इसके चारों दरवाजे नए डले हैं,
उसके अलावा बैग से ये लगी हुई थी, वो बनाई है अंदर से, ये देखें। ठीक है, अब आगे ये देख लें तो एक ये मेहरान है, मेहरान ये है जनाब, मेहरान तैयार हो रही है ये वाली, क्या करें मेहरान, शोर है थोड़ा सा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि माइक नहीं लगा हुआ। ये मेहरान तैयार हो रही है, अभी पेंट हो गई है, कंपाउंड वाली चाहिए इसके ऊपर, अभी इन्हें लेकर लगना है, कुछ छोटा छोटा काम रह गया। उसके अलावा इससे तो आपको पता ही है, बाकी ये हाई एस अभी ये भी इन प्रोसेस है। उसके अलावा एक ये मेहरान है, ये भी तैयार हो रही है, पेंट वगैरह हुई है अभी, और ये भी जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर इसे दोबारा करेंगे एक दफ़ा। उसके अलावा एक ये मेहरान खड़ी हुई है हमारे पास आज, एक ये हमारे पास आई थी फैसलाबाद से, ये गाड़ी फैसलाबाद से आई थी हमारे पास, इसका इंजन नंबर हल करना है, इंजन निकाला हुआ है आज। और इसके अलावा एक ये करोला है, करोला का भी इंजन नंबर हल कर रहे हैं, ये देखें इंजन इसका निकाला हुआ हमने और अवर हल कर रहे हैं। तो ये काम जो है ना वो हमारी वर्कशॉप में आज हो रहा है, आपको दिखाया सारा कुछ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा काम हो रहा है, अगर आपने भी करवाना है तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो बना रहा था तो बनाते बनाते जो है ना वो गाड़ी आ गई, तो मुझे अपनी गाड़ी जो है ना वो बाहर निकालनी पड़ी है, तो ये खैबर है। बाकी गाड़ियाँ आपको मैंने सारी दिखा दी हैं वर्कशॉप वाली, अब ये गाड़ी जो है ना इस पर मैं आज ट्रैवल किया सारा दिन, ये खैबर है और बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह। अभी डिटेल से रिव्यू तो नहीं दूंगा, हल्का फुल्का आपको जो है वो इसका दिखा देता हूँ, देख लें ये रिम टायर हमने बाद में लगाए हैं इसको। अभी मैं वीडियो बना रहा था और ये चीज़ें आपको दिखा रहा था, गाड़ियाँ सारी वर्कशॉप के अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, तो इतना महीना एक गाड़ी आ गई बाहर से एक्सीडेंट, ट्रक के ऊपर लोड हो के ना, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट आपको जो है ना वो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे और उसकी एक पूरी जो है ना वो डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपको उतरते हुए दिखाऊँगा कि गाड़ी जो है ना वो उतरने कैसे उतरती है, जो एक्सीडेंट गाड़ी है जो चलने के काबिल नहीं है किस तरह से उतरती है। ये गाड़ी आई है जनाब एक्सीडेंट हो के, सुजुकी कल्टस है नई शेफाली, और कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई गाड़ी की, हाँ इधर से देखना यार इसके साथ ना लगे बस, ठीक है। ओह एयरबैग भी खुल गया गाड़ी के, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, ये देखो क्या हालत हो गई गाड़ी की। तो दोस्तों ये गाड़ी वही गाड़ी है जो एक्सीडेंट आई थी, अभी आपको दिखाई है सारी, बहुत ज़्यादा डैमेज थी, ठीक है। आपको सारी वर्कशॉप में जितनी भी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं उन सब का आपको ओवरव्यू भी करवा दिया, एक दफ़ा बता दिया कि कौन कौन सी गाड़ी है, कैसे कैसे तैयार हो रही है, क्या क्या काम हो रहा है, किस किस गाड़ी का। तो अभी आपके सामने जो है ना ये गाड़ी एक आई है, तो अभी ये खैबर भी आपको दिखा दी, आज का ब्लॉग जो हम यहीं पर एंड करते हैं, तो अगर आप इस तरह के मजीद ब्लॉग चाहते हैं डेली ब्लॉग्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है मुझे कमेंट्स में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।